हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एकदम क्रिस्पी खस्ता और नरसे की रेसिपी, जो आपको बिना मेहनत ना चावल को भिगोना ना पीसना पूरी ट्रिक के साथ में, और आपको नरसा ना टूटेगी ना बिखरेगी ना सख्त होगी, एकदम टेस्टी कुरकुरे बनने वाली अनरसे मिठाई। आप दोस्तों पहले से लास्ट तक पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको बनाने में आसान होगा, और मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगी जो बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाएगी। चलिए अनरसा बनाना शुरू करते हैं। इसमें बबीता है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम बैक टू बॉबी हेल्दी फूड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मेरी चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस कर देंगे तो आपको पहले जो मेरी वीडियो बनती है आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। ये अनरसा बनाने के लिए हमने ये मेजरमेंट से एक कप चावल की आटे लिए हैं। ये बाज़ार में मिलने वाले जो चावल की आटे हैं वही है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार में आजकल बढ़िया मिल जाते हैं। ये 250 ग्राम है ये जो चावल का आटा है। आपके पास जो भी मेजरमेंट के लिए कप है या कटोरी है उसी से भी आप ले सकते हैं। तो जो कप में हमने चावल की आटे लिए थे उसी कप से हमने अभी 1.5 कप पानी डालेंगे। आप जब भी अनरसा बनाएं उसका मेजरमेंट सही रखिए तो ये अच्छी बनती है। ये हम 1.5 कप पानी डालें। अभी पानी को हम अच्छी तरह पूरा उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये फ्रेंड्स उसी पानी में अब हम 1/4 कप शक्कर डालेंगे। ये है देखिए, ये शक्कर है 6 चम्मच का। आप चाहे आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने 6 चम्मच शक्कर डाले हैं। अब शक्कर को पानी में अच्छी तरह मिलने देते हैं। हम इसका कोई चाशनी बनाएंगे नहीं, सिर्फ शक्कर को पानी में मिलने के लिए छोड़ेंगे। हर समय बढ़िया खुशबू आएगी इसके लिए हमने 1/2 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल देते हैं। पानी हमारा अभी अच्छी तरह उबलने लगी है, इसी स्टेज में हम ये जो चावल की आटा है उसी को धीरे धीरे डालेंगे और एक हाथ से उसको मिलाते रहेंगे। देखिए ऐसे ही आप पूरा उसको अच्छी तरह मिलाइएगा। देखिए इसको हम और भी पूरा बढ़िया कुरकुरे बनाने के लिए उसमें 1/4 कप आटा डालेंगे। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। देखिए हमारा सब चीज़ मिल गई है। अब हम इसमें और एक चीज़ डालेंगे जो है इसको खस्ता बनाने के लिए, हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बढ़िया खुशबू आएगी और आपकी अनरसा पूरा अच्छी तरह पूरा क्रिस्पी भी बनेगी और इसका खस्ता भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। देखिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए ये अभी बहुत गर्म है, अब हम ऐसे ही थोड़ा गर्म से उसको हाथ में जितना ले पाएंगे उसका एक अच्छे डो बनाएंगे। हम ऐसे थोड़ा उसके ऊपर पानी डाल के उसको मस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप डालिए, फिर इसको ऐसे ही मसल लीजिए। ये इसका एक सीक्रेट ट्रिक है, इसको आप पूरा ठंडा होने के बाद मत कीजिए, ऐसे ही गरम गरम इसको करना पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स ये डो को हम अच्छी तरह पूरा मसल के चिकना करेंगे। जितना अच्छी तरह आप इसको मसलेंगे उतना अच्छी तरह आपकी जो अनारस है वो बढ़िया बनेगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपका अनरसा कभी फटेगा नहीं कि टूटेगा नहीं कि सख्त भी नहीं बनेगी। थोड़ी थोड़ी पानी हाथ करके
उसको हम अच्छी तरह पूरा मसल लेंगे। प्याज बना रहे हैं हम, आप इसको पूरा इंस्टेंट बना के, वैसे ही कोई मेहमान भी आए आप इसको बना के दे सकते हैं। हमारा डो अभी अच्छी तरह पूरा चिकना हो गई है, देखिए कितना ये नरम हुई है, देखिए पूरा नरम हो के ये पूरा डो तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ये अनार्स को बनाने के लिए इसमें कुछ सफ़ेद वाले तिल डाल दिए हैं, इसके ऊपर हम उसको लगा के तलेंगे। देखिए ये हम अभी हम हमारा डो से छोटे छोटे बॉल जैसे लेंगे और इसको बनाएंगे। देखिए आप इसको ऐसे ही राउंड सब दीजिए तो आपका कुछ क्रैक्स नहीं आएंगे, तो आप समझ लीजिए आपका डो अच्छी तरह बनी है। देखिए कुछ भी क्रैक्स नहीं है, ये ऐसे ही आप पूरा राउंड शेप दे दीजिए। फिर इसको हम ये जो तिल है व्हाइट वाला उसके ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। देखिए वैसे ही हमारा ये बनके तैयार हो गई है, हम वैसे ही एक केक बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही हम सारे बना लेते हैं। आपको ज़्यादा बड़े पसंद है तो आप वैसे ही थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बनाएंगे वो अंदर तक कच्ची नहीं रहेगी और अच्छी तरह ये फूल के तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नर्सा भी कुछ भी साइड से भी कुछ भी क्रैक्स नहीं आ रही है, पूरा अच्छी तरह ये बन के तैयार हो जाती है। बाजार में हलवाई हैं जैसे बनाते हैं वैसे ही आपको ये लगेगा, अंदर से पूरा क्रिस्पी और पूरा खस्ता बनेगी और खाने में भी उतना ही ये टेस्टी बनेगी। आप इसको बनाने के बाद 15 दिन भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी बनती है बच्चे नहीं रखते हैं, ये 15 दिन से पहले आपका ख़त्म हो जाएगी। देखिए ऐसे ही हम बना रहे हैं, ये एक प्रकार की हम बनाए, हम दूसरा आपको बना के दिखाएंगे, आपको बॉल जैसा भी हम बनाएंगे वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा तेल अभी गर्म हो गई है, हम एक डाल के देखें, उससे बबल्स थोड़ा निकल रही है, उसका मतलब है हमारा तेल गर्म हो गई है। देखिए हम अभी हम एक एक ऐसे ही डाल देंगे। आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस है आप उसी हिसाब से डालिएगा, नहीं तो पलटने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसको उलट पलट नहीं करेंगे, इसको वैसे ही जब ऊपर ये उठेगी तब हम इसको टर्न करेंगे, ये उसी टाइम हम हमारा दूसरा बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही भी हम जैसे बॉल जैसे भी कितने बनाएंगे, देखिए उसको भी वैसे ही ये जो हमारा तिल है उसके ऊपर लपेट लेंगे। देखिए वैसे ही हम बना लेते हैं। देखिए बॉल जैसा भी हम इतने सारे बना दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको टर्न कर लेते हैं, धीरे से आप टर्न कीजिए, ये पूरा उसकी कलर चेंज हो गई है। अब हम इसको निकाल देते हैं। देखिए ये कितनी बढ़िया कलर आ गई है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा अनारसा अभी देखिए कितनी बढ़िया पूरा बन के पूरा कलर आ गई है। वैसे ही हम सारे बना लेते हैं। अब हम ये जो राउंड शेप की बनाए हैं बॉल जैसा, उसको डालेंगे। आप ऐसे ही मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका ये कभी भी ये हार्ड नहीं होगी कि ये आपकी बिखरेगी भी नहीं। हमारा ये अनारसा भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल देते हैं। आप जब भी ये अनारसा बनाएंगे, आप इसको कभी भी पूरा लो फ्लेम या पूरा हाई फ्लेम पे तलिएगा नहीं, नहीं तो ये पूरा हार्ड हो जाएगी, नहीं तो बिखर जाएगी। कि जितने सारे हैं अब हम इसको भी तल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अनारसा कितना बढ़िया पूरा फूल गई है। ये पूरा अंदर से क्रिस्पी है, इसके लिए ये ऊपर से पूरा फूल के तैयार हो रही है। देखिए देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से ये हो रही है। ये सारे जो अनारसे हैं सब बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको सब निकाल देते हैं। ये जो तिल है ये तेल में है, आप इससे घबराइए नहीं। जब ये ठंडी हो जाएगी तेल, तब इसको आप छान के रख लेंगे। वाओ, देखिए कितने बढ़िया पूरा ये कलर हो के वो बन गई है। आप ऐसे ही मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका पूरा कभी भी ये खराब नहीं होगी, ये अच्छी तरह बन जाएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर मुझे एक कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसे बनी और आप कहाँ से बोल रहे हैं। वैसे ही मैं जैसे ट्रिक आपको बताई हूँ आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी अनारसा ऐसे ही पूरा अच्छी तरह बन के तैयार हो जाएंगे। आपको अनारसा बनाना नहीं आती है तो आप फिर भी आप इसको बना पाएंगे। आप जैसे मैं जो भी आपको जितना मेजरमेंट बताई हूँ उसी हिसाब से आप बनाएंगे तो आपकी अनारसा पूरा बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस करेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे तो आप मेरे नए वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसे अंदर से बनी है। देखिए कितनी बढ़िया पूरा ये क्रिस्पी बनी है। अंदर से पूरा नरम है और ऊपर से पूरा क्रिस्पी है और ये खाने में भी उतना टेस्टी है जैसे ही बाजार में मिलती है। हलवाई लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही ये बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं एक ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ। बाय बाय।